ठीक है, तो कल के क्लास में हम लोग ने क्या-क्या किया था? मार्क्स वाला क्वेश्चन किए थे और स्विच हम लोग स्टार्ट कर लिए थे, है ना? स्विच स्टेटमेंट, ठीक है, ओके। तो अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कल मैंने थोड़ा बहुत समझाया था, ठीक है। आज हम लोग प्रोग्राम से समझते हैं उसी चीज़ को, ठीक है। एक प्रोग्राम मैं बनाऊंगा, ठीक है। वहाँ पे हम लोग 10, 20, 30, 40, 50 हम लोग एंटर करेंगे, ठीक है। उसके बेस पे वो कुछ मैसेज प्रिंट करेगा, ठीक है। तो चलो अपन हम लोग चलते हैं अपने प्रोग्राम में। स्विच केस जो होता है वो एग्जैक्टली सेम, मतलब 80% सेम होता है इफ एल्स इफ लैडर से, है ना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, राइट ए प्रोग्राम टू सिलेक्ट ए नंबर ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void main, ठीक है। गेट सी एच, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट नम, ठीक है। इंट क्या ले लिया? नम ले लिया, ठीक है। फिर उस पर clrscr, मैं यहाँ पे क्लियर स्क्रीन कर लूँगा। उसके बाद हम लोग नंबर में एक वैल्यू एंटर करवाएंगे स्क्रीन से, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, प्रिंट एफ, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे स्लैश एन एंटर नंबर, ठीक है। नंबर एंटर होगा कैसे? नंबर हम लोग इनपुट लेंगे, बताओ कौन बताएगा? अरे इंटीजर, इंटीजर तो ठीक है, लिखेंगे क्या वहाँ पे? कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं? मेरे को नहीं आता है, बताओ तो कैसे लिखते हैं? ब्रैकेट, हाँ, फिर ऐसा परसेंट डी, डबल कोट के अंदर, ठीक है। हाँ फिर उसके बाद, हाँ, एड्रेस ऑफ एन नाम, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद सेमी कॉलन, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे नंबर को इनपुट ले चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस नंबर को डिफरेंट डिफरेंट केस के साथ मैच करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक नया स्टेटमेंट ले रहे हैं, स्विच, ठीक है। स्विच हम लोग लेंगे, ठीक है। इस प्रकार का सिंटैक्स होता है इसका, ठीक है। हम लोग लिखते हैं स्विच, SWITCH, ठीक है। क्या पढ़ोगे इसको? स्विच, ठीक है। अब स्विच के अंदर में हम लोग कोई एग्जैक्ट वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हम लोग नहीं ले सकते। कैसी वैल्यू लेते हैं हम लोग? या तो इंटीजर में या तो कैरेक्टर में, ठीक है। दो टाइप की वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है हमारे पास, कौन सी इंटीजर वैल्यू है? नम, ठीक है। अब नम में जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे हम लोग जो भी वैल्यू एंटर करेंगे, ठीक
उसको अलग अलग केस के साथ मैच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ केस, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ 10, क्या लिखा, केस 10, उसके बाद कोलन लगाऊंगा, क्या लगाया, कोलन लगाया, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट एफ, ठीक है, मैं वैल्यू डाल रहा हूँ 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा, नंबर इक्वल इज इक्वल टू 10, ठीक है, नंबर इज इक्वल टू 10। सर कुछ अंश है ना उसका ना, मैं OMR में इंक्लूड करके ही लिखी हूँ, और फॉइल काउंटर फॉइल ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, हम लोग इसमें क्या क्या वैल्यू एंटर कराने वाले हैं, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, पांच केसेस हम लोग बनाएंगे, 10 के लिए बनाएंगे, 20 के लिए बनाएंगे, 30 के लिए बनाएंगे, 40 के लिए बनाएंगे, 50 के लिए बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ले लिए केस 10, ये 10 जो वैल्यू होती है यहाँ पे जो हम लोग केस में लिखते हैं, केस 10, ये इस नम में एंटर की जाने वाली वैल्यू होती है, ठीक है, नम की वैल्यू डायरेक्टली इस केस से मैच करेगा, ठीक है, मैच करना मतलब समझ में आता है ना। ठीक है, तो यहाँ हम लोग केस 10 बना लिए, प्रिंट एफ में हम लोग लिखे नंबर इज इक्वल टू 10, ठीक है, यहाँ पे हम लोग स्लैश एन लगा देते हैं, स्लैश एन, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग लिखते हैं नेक्स्ट केस, केस 20 कोलन प्रिंट एफ, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, नंबर इज इक्वल टू 20, ठीक है। केस 30 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रिंट एफ, ठीक है, स्लैश एन, नंबर इज इक्वल टू 30, ठीक है। केस 40 कोलन प्रिंट एफ, ठीक है, डबल कोट स्लैश एन, नंबर इज इक्वल टू 40, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, लास्ट वाला केस, केस 50, ठीक है, प्रिंट एफ, ठीक है, स्लैश एन, नंबर इज इक्वल टू 50, ठीक है, पांचों केस बना लिए हम लोग। अब अगर 10, 20, 30, 40, 50 हमारे जो भी इनपुट होंगे उसमें नहीं होगा, क्योंकि केसेस हम लोग पांच ही बनाए हैं, 10, 20, 30, 40, 50 के लिए ही हम लोग बनाए हैं। अगर 50 से कोई दूसरा नंबर डाल देता है तो किस में चल जाएगा, डिफ़ॉल्ट में चल जाएगा, किस में चल जाएगा,
डिफॉल्ट में चल जाएगा और वहाँ पे प्रिंट करेगा प्रिंट एफ, जैसे कि इफ एल्स इफ लैडर में होता था एक एल्स वाला पार्ट, ठीक है, वैसे यहाँ पे डिफॉल्ट होता है, ठीक है। इनवैलिड इनपुट, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लीज एंटर 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, समझ में आया इतना? ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो भी नंबर एंटर करेंगे, ठीक है, वो इस स्विच में हम लोग चलाएंगे, मतलब उस नंबर को हम लोग डिफरेंट केसेस से मैच करेंगे, सिंपल सी बात, ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग मैच करके देखते हैं, ठीक है, मैं इसको करता हूँ सेव। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्विच swt num.c, ठीक है, मैं इसको सेव कर दिया, इसको करते हैं कंपाइल, कोई एरर नहीं आया, इसको करते हैं रन, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है एंटर नंबर, कौन सा नंबर डालूँ, मैं डालता हूँ 10, ठीक है, नंबर में डाल रहा हूँ 10, ठीक है, और करता हूँ एंटर, क्या आया, नंबर इज इक्वल टू 10, नंबर इज इक्वल टू 20, नंबर इज इक्वल टू 30, नंबर इज इक्वल टू 40, नंबर इज इक्वल टू 50, इनवैलिड इनपुट प्लीज एंटर 10, 20, 30, 40, 50, सबके सब प्रिंट कर दिया, ठीक है। हम लोग को क्या करना था, हम लोग को क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ नंबर इज इक्वल टू 10 प्रिंट होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, नंबर इज इक्वल टू 10 ही प्रिंट होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए, हाँ, केस 10 जो है उसके बाद लगा देंगे ब्रेक, क्या लगा देंगे, ब्रेक, इस इटरेशन को यहाँ पे रोक देगा। ब्रेक जो एक कीवर्ड होता है वो क्या करेगा, ये वाला केस मैच होने के बाद इसके जितने भी स्टेटमेंट होंगे उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बाद ब्रेक एग्जीक्यूट जैसे ही होगा वो इस स्विच के बाहर आ जाएगा, सीधा बाहर आ जाएगा, जहाँ कर्सर अभी देखो ब्लिंक हो रहा है वहाँ पे आ जाएगा सीधा, मतलब कोई दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा उससे, ठीक है। फिर से इसको रन करते हैं, सेव करते हैं इसको और रन करते हैं, ठीक है। जब भी कोड में चेंजेस करेंगे और हम लोग उसको सेव करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे डाल रहा हूँ 10, ठीक है, लास्ट बार 10 डाले तो सारा का सारा प्रिंट हो गया था, अब नहीं होगा, ठीक है, हुआ क्या, ठीक है, अभी नहीं हुआ, मतलब ब्रेक वहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ और वो स्विच के बाहर चले गया, ठीक है। अब वापस, अब देखो देखो समझते जाओ, ठीक है, प्रोग्राम पे जैसे जैसे मैं रन करते जा रहा हूँ समझते जाना, ठीक है। अब मैं वैल्यू डालता हूँ 20, क्या वैल्यू डालता हूँ 20, ठीक है, इसके बाद एंटर करता हूँ तो क्या आ रहा है, मैच कहाँ पे किया उसने, नंबर इज इक्वल टू 20 से मैच किया, उसके बाद कहीं पे भी ब्रेक नहीं लिखा है मैंने, ठीक है, तो सब के सब पूरे जो स्टेटमेंट थे सबको एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 20 के बाद भी ब्रेक लगा देंगे, ठीक है, क्लियर। सेव किया मैंने इसको, फिर से रन किया, ठीक है, अब डालता हूँ 30, ठीक है, 30 के बाद भी फिर से रन कर रहा है, मतलब हम लोग क्या करना पड़ेगा, सभी जगह केस, हर केस के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, ब्रेक लगा देंगे, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो ब्रेक नहीं लगाओगे तो इस स्विच स्टेटमेंट कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, डिफॉल्ट के बाद ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके बाद कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो पूरा का पूरा हमारा जो इस प्रकार का सिंटेक्स होता है, ठीक है, जो नंबर हम लोग को यहाँ चलाना होता है वो इस केस के साथ में लिखते हैं, और उसके बाद जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना होता है, ठीक है, अगर ये केस मैच करता है, केस 10 अगर मैच करता है, तो यहाँ पे हम लोग
ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करा रहे हैं, ठीक है, नंबर इज इक्वल टू 10। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, ब्रेक कर रहे हैं, तो वो 10 को ही एग्जीक्यूट करेगा, केस 10 वाला जो स्टेटमेंट है उसी को एग्जीक्यूट करेगा और सीधा लूप के बाहर आ जाएगा, मतलब स्विच के बाहर आ जाएगा। आया समझ में? ठीक है, चलो इसको बारी बारी हम लोग एक बार रन करके देख लेते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डालते हैं 10, ठीक है, 10 डालने से 10 आ रहा है। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? ठीक है, अब डालते हैं 20, ठीक है, 20 डाल दिए, डाल सकते हैं 20, ठीक है, 20 डाले, 20 से मैच कर लिया, नंबर इज इक्वल टू 20 बता रहा है। ठीक है, वापस से रन करते हैं, यहाँ पे डालते हैं 30, ठीक है, 30 में भी बता रहा है, नंबर इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब यहाँ पे डाल देता हूँ मैं 49, ठीक है, क्या बताएगा, कहाँ पे चल जाएगा, डिफॉल्ट में चले जाएगा। ठीक है, क्योंकि 49 तो वहाँ वैल्यू नहीं है ना, क्या बता रहा है, इनवैलिड इनपुट। ठीक है, ठीक है, उसके बाद एक और हम लोग मैच कर लेते हैं 50 के साथ भी, तो यहाँ नंबर इज इक्वल टू 50 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है, प्रोग्राम समझ में आया? स्विच स्टेटमेंट समझ में आया? आ गया अच्छे से? कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बोलो। स्विच स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें हम लोग मल्टीपल केस से हम लोग वैल्यू को मैच कराते हैं। ठीक है, क्लियर? वो अपने वर्ड्स में बोल सकते हो, जैसा भी आपको समझ में आता है। ठीक है, ले लिए स्क्रीनशॉट? ठीक है, इस प्रोग्राम को भी आज रन करके देखना है। ठीक है, सभी लोग रन करके देखोगे, है ना? ठीक है, अगला प्रोग्राम बताऊं? ठीक है, चलो मैं फाइल में जाता हूँ, न्यू लेता हूँ और यहाँ F5। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले डे नेम अकॉर्डिंग टू डे नंबर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 to 7 डेज होते हैं, सबको पता है, 7 दिन होते हैं वीक में, 7 दिन होते हैं ना, कौन कौन से दिन होते बताओ तो। बहुत बढ़िया, बाकी लोग को नहीं पता है क्या? पता है ना, कैलेंडर सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक डे नंबर एंटर कराएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट डे। ठीक है, CLR SCR, क्लियर कर लेते हैं हम लोग स्क्रीन को। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे printf \enter day number। ठीक है, scanf, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, %d, और यहाँ पे कॉमा देके डे
लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग को क्या लगाना है, कैसे कितने केस बनाना है, वन अगर एंटर करेंगे तो क्या बताना चाहिए, मंडे बताना चाहिए, ठीक है। टू अगर एंटर करेंगे तो क्या बताना चाहिए, ट्यूसडे, ठीक है। थ्री अगर एंटर करेंगे तो क्या बताना चाहिए, वेडनेसडे, ठीक है। फोर अगर एंटर करेंगे तो थर्सडे, ठीक है, समझ गए, ये हम लोग को करना है। हाँ बोलो, आवाज नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हो? ठीक है, प्रोग्राम में क्या करना है समझ में आ गया। तो चलो अब बताना कि केस कैसे कैसे हम लोग लगाएंगे, ठीक है। हम लोग लिखेंगे स्विच, ठीक है। स्विच में क्या लिखूंगा ब्रैकेट के अंदर, किससे मैच कराना है हम लोग को, जो भी वैल्यू इनपुट लेंगे उससे। कौन सी वैल्यू इनपुट ले रहे हैं हम लोग, डे में इनपुट ले रहे हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डे लिख देंगे, ठीक है। अब हम लोग को कितने केसेस बनाने हैं यहाँ पे, सेवन सेवन केसेस बनाने हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, केस वन कोलन लगाएंगे, ठीक है। केस वन के साथ अगर मैच करता, अगर इनपुट हमारा वन है तो क्या प्रिंट करना चाहिए, प्रिंट एफ, ठीक है, मंडे, ठीक है, यहाँ स्लैश एन लगा लेते हैं, ठीक। उसके बाद क्या लिखेंगे, ब्रेक, ठीक है। केस टू कोलन प्रिंट एफ स्लैश एन, यहाँ पे लिखेंगे ट्यूसडे, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, ब्रेक, ठीक है। केस थ्री कोलन क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ स्लैश एन वेडनेसडे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, ब्रेक, क्या करता है ब्रेक, हाँ स्विच स्टेटमेंट है, उसको वहीं रोक देगा, ठीक है। उसके बाद के कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। स्लैश एन थर्सडे, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रेक, फिर उसके बाद क्या आता है, केस फाइव, यहाँ पे फिफ्थ डे कौन सा होता है, प्रिंट एफ फ्राइडे। फिर लिखेंगे ब्रेक, केस सिक्स प्रिंट एफ स्लैश एन, उसके बाद सैटरडे, लिखेंगे ब्रेक, ठीक है। केस सेवन क्या जाएगा, प्रिंट एफ स्लैश एन, यहाँ पे लिख देंगे संडे, ठीक है। अगर हम लोग इस जो भी वन टू सेवन है उसमें हम लोग ने कोई भी इनपुट नहीं दिया, ठीक है, मतलब हमारा वन टू सेवन इनपुट नहीं है, कुछ और हम लोग डाल दिए, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, डिफॉल्ट। पहले ब्रेक लगेगा, उसके बाद आएगा डिफॉल्ट, ठीक है। प्रिंट एफ, ठीक है, स्लैश एन इनवैलिड इनपुट,
प्लीज़ एंटर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ठीक है। इसको करते हैं सेव, यहाँ पे करेंगे डे डॉट सी, ठीक है। इसको करते हैं कंपाइल, कंपाइल किए कोई एरर नहीं आया, और करते हैं रन। एंटर डे नंबर मैं डाल रहा हूँ 7, क्या आना चाहिए? संडे आना चाहिए, आया संडे, ठीक है। संडे को छुट्टी होती है, ठीक है। मैं डालता हूँ 8, क्या आना चाहिए? इनवैलिड इनपुट, ठीक है। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, तो 1 से लेके 7 तक हम लोग इनपुट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग वो हम लोग को डे बताएगा, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये सब कॉपी में भी नोट करना है ना, ये मेन है हमारा, ये जो पार्ट है ये वाला मेन है ना। हाँ फ्लो चार्ट बना सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, क्लियर है? हाँ बोलो बोलो बोलो। डेट को, डेट को कैसे दिखाएगा? उसके लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। हाँ मतलब मंथ के लिए बनाओगे तो, मंथ के लिए बनाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वो, तो कैसे बना पाओगे मंथ के लिए करेंट? हाँ मंथ के लिए, हाँ 12 बना, मंथ के लिए बोल रहे हो ना? अच्छा मेरे को लगा डेट वाइज बोल रहे हो, नहीं मंथ, हाँ मंथ के बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मंथ के लिए ट्राई करो, ठीक है। 12 केसेस लेना है वहाँ पे, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, इस टाइप से ले लेना, ठीक है। उसको भी बना सकते हो सेम, ठीक है। और किसी कुछ डाउट है? समझ में आया स्विच केस? सभी को समझ में आया? ओके चलो, मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, ये तो बनाना ही है, ठीक है। एक और मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को बनाना है मेनू, क्या बनाना है? एक कोई भी ढाबा या फिर होटल है या फिर कोई भी रेस्टोरेंट है, उसका मेनू है, ठीक है। तो 1 में होगा ठीक है, ये होगा और इसका प्राइस होगा, क्या होगा ठीक है? प्राइस कितना होता है? 180, ठीक है, ये होगा। सेकंड में क्या होगा? ठीक है, इसका प्राइस होगा 300, ठीक है। थर्ड मेनू होगा, क्या होता है बताओ, और कुछ याद है? ठीक है, चिकन टिक्का, ठीक है। इसका प्राइस है, ठीक है, जो भी ले लो 200 ले लो, ठीक है।
ऐसे करके 4-5 ठो डिश का बनाओगे, ठीक है। यहाँ पे अगर 1 हम लोग इनपुट करते हैं तो वो डिस्प्ले करना चाहिए चिकन बिरयानी और उसका प्राइस, ठीक है। आया समझ में? दोनों यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहिए, ठीक है। अगर 2 एंटर किए तो चिकन बटर मसाला और प्राइस, ठीक है। 3 एंटर किए तो चिकन टिक्का और उसका प्राइस, ठीक है। आया समझ में? और लास्ट में डिफॉल्ट में क्या लोग, ऐसी 5 कम से कम बनाना, ठीक है। 4 में और बता दो, एक आध दो बताओ और क्या रहता है। अरे कुछ पनीर वाले का भी ख्याल रखो। ठीक है, प्राइस हम लोग ले लेते हैं इसका, ये सस्ता होता है, ठीक है। 160 ले लेते हैं, ठीक है। 5 जो है पनीर टिक्का मसाला, ठीक है। इसका प्राइस जो होगा 180 होगा, ठीक है। और लास्ट में डिफॉल्ट आएगा, ठीक है। नहीं, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, क्लियर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ऐसे ही हम लोग को एक प्रोग्राम बनाना है, ये आप लोग का होमवर्क है, ठीक है। बन जाएगा, ठीक है, ओके। इसको बनाना है, ठीक है। और किसी कुछ पूछना है क्या? 1 मिनट बचा है, पूछना हो तो पूछ लो। इसीलिए हाँ, होता है कभी कभी वो गेट सी एच वगैरह नहीं लिखे होंगे तो होता है। देखो किसी का भी हो सकता है, कंपाइलर का भी हो सकता है। कभी कभी प्रोग्राम जब स्टार्ट करते हैं ना तो उसमें भी कुछ फाइल्स लोड होती है, कुछ नहीं होती, तो एक बार बंद करके फिर से चालू कर दो तो हो जाता है। और किसी कुछ डाउट है?